सीएम ने बताया कि आधुनिक तकनीक से लैस इन वाहनों से आगजनी की घटनाओं को काबू करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि आज के समय में जैसे ही आगजनी की घटनाएं बढ़ी है, वैसे ही जानमाल की रक्षा के लिए आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता है, जिसे देखते हुए इन 21 वाहनों को प्रदेश के अग्निशमन विभाग के सुपुर्द किया गया है। 4 सालों में अग्निशमन विभाग ने अच्छा काम किया है। इन वाहनों से विभिन्न विभाग के काम को बल मिलेगा। इन वाहनों को किन्नौर जिला के भावनगर के लिए 2 व सांगला के लिए 2 वाहन भेजे गए। इसके अलावा शिमला जिला के बालूगंज के लिए 1 वाहन, जुब्बल के लिए 1 और टिक्कर के लिए 2 वाहन भेजे गए। वहीं बिलासपुर जिला के नैना देवी के लिए 1 वाहन भेजा गया। प्रसन्नता है कि बहुत बड़ा एक प्रयास हमारी सरकार का, जो जिस प्रकार से आग की घटनाएं पूरे प्रदेश भर में होती रहती हैं, और हम इस बात को भी देख रहे हैं कि हर बार ये घटनाओं में बढ़ोतरी भी होती है, ऐसे में उस सारी चीज़ को निपटने के लिए, आदमी की ज़िंदगी को बचाने के लिए, सार्वजनिक संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को बचाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने फायर ब्रिगेड के सिस्टम को बेहतरीन करें, और बेहतरीन करने के साथ साथ उनको सुविधाएं उपलब्ध कराएं। उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में आज तक के इतिहास में हमारी 4.5 वर्ष की कार्यकाल में बहुत बेहतरीन काम हुआ है, और मुझे आज इस बात की भी खुशी है कि आज 21 वाहन जो हमने डेडिकेट किए, जो अपने अपने अलग अलग स्थानों में जा कर के अपनी सेवाएं देंगे, और इन 21 वाहनों पर 7,64,00,000 की लागत आई है। और ये भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि हिमाचल के इतिहास में फायर ब्रिगेड की इतनी एक बड़ी एडिशन एक साथ पहली बार हुई है, और 4 सालों में हमने 31 जो है वो नए वाहन जो है वो फायर ब्रिगेड को उपलब्ध कराए हैं, जो हिमाचल प्रदेश में पिछले 4.5 वर्ष के कार्यकाल में जो घटनाएं विभिन्न स्थानों पर जो है वो आगजनी की हुई है, उसमें 1395 लोगों की जान बचाने में फायर ब्रिगेड ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, एक बहुत बड़ा साइजेबल नंबर है, यानी कि तुरंत कार्रवाई और प्रभावी ढंग से कार्रवाई। और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये थी कि जब फायर ब्रिगेड का स्टेशन हमारे पास दूर होता था और कहीं दूर दराज के इलाके में, ग्रामीण क्षेत्रों में आग लग जाती थी, फायर टेंडर पहुंचने में बहुत ज़्यादा देर हो जाती थी, तब तक के लिए गांव जल जाता था। ऐसे में हमारे अलग अलग स्थानों पर फायर स्टेशन, सब स्टेशन इस तरह से हम खोलते जाएँ ताकि अगर घटना घटित होती है तो तुरंत जो है आधे घंटे, 40 मिनट के अंतराल में ही वहाँ पर उस आग को काबू पाने के लिए जो प्रयत्न किए जा सकें। में फायर ब्रिगेड बहुत बेहतर ढंग से काम, क्योंकि अभी जो हमने गाड़ियाँ यहाँ पर दी हैं ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप्ड है गाड़ियाँ, यानी कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काम कर सकती हैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ में फायर को काबू का मतलब आग को काबू करने में भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है।